बीएमसी ने अगस्त के अंत तक सैंड्रेस रोड में पुनर्निर्मित हैंकॉक पुल को खोलने की योजना की घोषणा की है। शनिवार को पुल विभाग ने एक प्लेट गर्डर के हिस्से के साथ पुल स्थल पर 24 मीटर का गर्डर स्थापित किया। पुल विभाग के मुख्य अभियंता संजय दराड़े ने कहा, आज हमने प्लेट गर्डर के एक हिस्से के साथ 24 मीटर का गर्डर स्थापित किया है। दूसरा भाग 15 दिनों में पूरा किया जाएगा। उसके बाद हम रेलवे मेगा ब्लॉक की मदद से प्लास्टर का काम भी पूरा करेंगे। नए हैंकॉक पुल के लिए आवश्यक दो गर्डरों में से एक 11 जून को मुंबई पहुंचा। नागरिक अधिकारियों के अनुसार 63.8 मीटर पर यह शहर के रेलवे नेटवर्क पर इस्तेमाल होने वाला सबसे लंबा गर्डर है। जल्द ही दूसरा गर्डर आने की उम्मीद है। दराड़े ने कहा कि बीएमसी अगस्त के अंत तक पुल पर यातायात शुरू करने की योजना बना रही है। नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि नया पुल जो 64.6 मीटर लंबा होगा, पहले वाले की तुलना में चौड़ा होगा। डामर का काम पूरा होने के बाद पुल दोनों तरफ से यातायात के लिए तैयार हो जाएगा। हैंकॉक पुल परियोजना को स्थापना के बाद से कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है और काम धीरे गति से आगे बढ़ा है। फॉर्म मेसर्स जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसे मई 2016 में पुल के पुनर्निर्माण का ठेका मिला था, ने सड़क घोटाले में फंसने के बाद परियोजना से हटाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। फरवरी 2018 में साई प्रोजेक्ट को अनुबंध कर दिया गया था, जिसमें 19 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। पूरे प्रोजेक्ट की लागत ₹52 करोड़ है। हैंकॉक ब्रिज, जो मूल रूप से 1879 में सैंड्रेस रोड रेलवे स्टेशन के पास बनाया गया था, मझगांव को शहर के पश्चिम हिस्सों से जोड़ता है, जनवरी 2016 में असुरक्षित घोषित होने के बाद इसे ध्वस्त कर दिया गया था। मेट्रो मुंबई के लिए नितेश ठाकुर की रिपोर्ट।